हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान ओपन बोर्ड के कक्षा 12 हिंदी के पार्ट ए के नोट्स पढ़ने वाले हैं। तो चलेगा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं, देखिएगा साथियों, पिछले साल 12वीं ओपन बोर्ड के हिंदी के पेपर में हमने जो कोचिंग में नोट्स लिखे थे उन्हीं नोट्स में से प्रश्न पूछे गए थे। इस बार भी आपके बोर्ड के एग्जाम में हम जो कोचिंग में नोट्स लिखा रहे हैं यही नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, और इसी में से आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आप इन कोचिंग के नोट्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से जरूर पढ़ लीजिएगा। नहीं तो साथियों, पिछले साल के 12वीं ओपन बोर्ड के पेपर में बहुत सारे विद्यार्थी फेल हुए थे, इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल होंगे। यदि आपको फेल नहीं होना है तो आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो चलेगा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं, देखिएगा साथियों, आप इन नोट्स को आप अपने मोबाइल में किस प्रकार से देख सकते हो, चलेगा इसका सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। यह है मेरा मोबाइल। अब इस मोबाइल का सबसे पहले मैं लॉक ओपन कर देता हूं। तो इस प्रकार से मैंने मोबाइल का लॉक ओपन कर दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपके मोबाइल की भी इसी प्रकार की स्क्रीन होगी। इसमें आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है। तो ये मैंने गूगल पर क्लिक कर दिया। अब यहां पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM, यानी आपको लिखना है मोस्ट एग्जाम, और उसके बाद में नीचे यहाँ पे जो सर्च का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन खुल जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके मोस्ट एग्जाम लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड जयपुर, और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो राजस्थान ओपन बोर्ड, और इसके सामने क्लिक लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन खुल जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान ओपन बोर्ड कक्षा 10 हिंदी के सभी नोट्स, उसके बाद में राजस्थान ओपन बोर्ड कक्षा 12 हिंदी के सभी नोट्स। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है राजस्थान ओपन बोर्ड कक्षा 12 हिंदी के नोट्स, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो पार्ट 1 के नोट्स, पार्ट 2 के नोट्स, पार्ट 3 के नोट्स, पार्ट 4 के नोट्स। इस प्रकार से आपको सभी पार्टों के यहाँ पे नोट्स दिए गए। यहाँ पे आपको पहले पार्ट के नोट्स देखने, तो इसके लिए सामने जो क्लिक लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने राजस्थान के 12वीं ओपन बोर्ड हिंदी के पहले पार्ट के आपके सामने नोट्स खुल जाएंगे। तो इन नोट्स को आप यहाँ से भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे हम पहले पार्ट के सभी इंपोर्टेंट नोट्स पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता किसे कहते हैं, यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कविता किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। आई बात आपको समझ में। चलेगा बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा, दूसरा प्रश्न है, कविता का स्वरूप किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है, यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कविता का जो स्वरूप होता है वो किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कविता का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें आपके पहला है कविता में भाव तत्वों की प्रधानता होती है, और दूसरा है कविता में चिंतन अथवा विचारों की जटिलता नहीं होती है, और तीसरा है कल्पना के मिश्रण से सौंदर्य चित्रण को कविता में सहज और ग्राह्य बनाया जाता है। ये आपके दूसरा प्रश्न था। चलेगा आप तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा साथियों, ये तीसरा प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पिछले साल पूछा गया। इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से याद करिएगा। तीसरा प्रश्न है, कविता में किस तत्व की प्रधानता होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कविता में भाव तत्व की प्रधानता होती है। कौन से तत्व की प्रधानता होती है, भाव तत्व की प्रधानता होती है। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपके अगला चौथा प्रश्न। देखिएगा चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है, कविता के अवयवों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कविता के अवयवों को दो भागों में विभाजित किया गया है जिनके नाम निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला भाव पक्ष है और दूसरा आपके कला पक्ष है। इसी प्रकार से आपको बोर्ड के एग्जाम में प्रश्नों का उत्तर लिखना है। आई बात आपको समय। अब देखिएगा साथियों, अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको कक्षा 12 के सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारे कोचिंग में जो इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा है वो सभी इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में मिलते जाएंगे। और अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला पांचवा प्रश्न है, कविता पाठ कैसे किया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कविता का पाठ स्वस्वर किया जाना चाहिए। चलेगा नेक्स्ट छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, कविता का भाव पक्ष किसे कहते हैं।
तो इस प्रश्न का उत्तर है कविता का भाव पक्ष उसे कहते हैं जिसमें कवि की कल्पना, रस, विचार और संदेश शामिल होते हैं। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सातवां प्रश्न है कविता पढ़ने के लिए किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। यह प्रश्न पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करिएगा। इस प्रश्न का उत्तर है कविता पढ़ने के लिए उसके रचनात्मक परिवेश, कवि का परिचय, रस, छंद तथा अलंकार आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। आई बात आपको समझ में? तो चलेगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपके आठवां प्रश्न है, यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जरूर याद करेगा। देखिएगा आठवें प्रश्न में कहा जा रहा है प्राचीन विद्वानों ने कविता की आत्मा किसको माना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्राचीन विद्वानों ने कविता की आत्मा रस को माना है। तो यहीं तक ही आपके पहले पार्ट के इंपोर्टेंट प्रश्न थे। इसके सिवाय आपके किताब में बहुत सारा कचरा दे रखा होता है जो आपको नहीं पढ़ना होता है। जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपोर्टेंट प्रश्न थे वो सभी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए और यही इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे कोचिंग में हमने विद्यार्थियों को लिखा है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा और दूसरे पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप दूसरे पार्ट के सभी इंपोर्टेंट प्रश्नों को देख सकते हो। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।